डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज को फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज ग्रीक वर्ड प्लेटीज मीन फ्लैट हेलमेंथीज मीन वर्म यानी इसके अंदर फ्लैट एंड वर्म्स मौजूद हैं और राउंड अबाउट हमें ट्वेंटी थाउजेंड एनिमल स्पीशीज जो हैं वो इसकी वर्ड ओवर डिस्क्राइब की जा चुकी हैं फ्लैट वर्म्स जो हैं इनका साइज़ एक मिलीमीटर mm से लेके लेस देन ट्वेंटी फाइव मीटर्स तक हमें मिलेगा इनके अंदर जो मीज़ोडर्मल डिराइव टिश्यूज़ हैं उसके अंदर एक लूज टिश्यू मौजूद है जिसको हम कहेंगे पेरन कायमा अब पेरन कायमा जो है दिस नॉर्मली फिल्स द स्पेस बिटवीन द अदर मोर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ऑर्गन एंड बॉडी वॉल अब डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़ पेरन कायमा जो है ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है दिस कैन प्रोवाइड स्केलेटल स्पोर्ट न्यूट्रेंट स्टोरेज मोटिलिटी रिजर्व ऑफ रिजनरेटिव सेल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल स्ट्रक्चरल इंटरेक्शंस विद अदर टिश्यूज अब जो मोडिफाइबल टिशूज़ हैं मॉर्फोजेनिस के वो भी इसी के अंदर मौजूद होंगे ऑक्सीजन की स्टोरेज भी इसी में मौजूद होगी पर दिस इज द फर्स्ट फाइलम दैट इज़ हैविंग एन ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आगाज फाइलम प्लेटी हलमथिस से हुआ और सिग्निफिकेंटरी एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है ओवर द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस फाइला को हम फोर क्लासेस में डिवाइड करते हैं टर्बील एरिया टर्बील एरिया के अंदर ज़्यादातर फ्री लिविंग फ्लैट हैं मोनोजीनिया ट्रेमोडा सेस्टोडा अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं यूजली फ्लैटेंड वाम्स हैं और फ्लैटेंड किस तरह से हैं डॉर्सल और वेंट्रल दोनों एंड से और वो एनिमल्स जो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों एंड से फ्लैटेंड हो उनको हम कहते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एस्लोमेड हैं बायोलैट्रली सिमेट्रिकल हैं अनसिगमेंटेड हैं इनकम्प्लीट प्रेजेंट है और कुछ सेस्टोर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर गट एब्सेंट भी हो सकती है कुछ के अंदर इनके अंदर कैफेलाइजेशन का प्रोसेस यानी फॉर्मेशन ऑफ हेड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर नर्व कॉर्ड्स जो हैं लॉन्गिट्यूडनल भी हैं और ट्रांसवर्स भी प्रोटोनिफ्रीडिया मौजूद हैं प्रोटोनिफ्रीडिया आर कंसर्न विद एक्सक्रीटरी सिस्टम एज वेल एज दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेटर स्ट्रक्चर हर्माफ्रोडाइट हैं और इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दैट इज कॉम्प्लेक्स इस स्लाइड के अंदर हम कुछ फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस के इम्पॉर्टेंट रिप्रजेंटेटिवस को देख लेते हैं अब यहाँ पर आप देखें इसकी बॉडी जो है दैट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट और यहाँ पे अपीरेंस है हेड की यानि प्रोसेस ऑफ कैफेशन जो है दैट इज स्टार्टेड आइस प्रेजेंट है माउथ प्रेजेंट है और ये जो है वर्म इसके अंदर ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इसको हम कह देते हैं सेगमेंटेड वर्म्स ये सेगमेंटेड वर्म्स लिविंग भी हो सकते हैं पैरासिटिक भी हो सकते हैं और समटाइम्स दे आल्सो लिव इन द इंटस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड अदर वर्टिब्रेड्स तो फाइलम प्लेटी हेलम्थिस दे एग्जिस्ट बोथ इन फ्री लिविंग फॉर्म्स As well as in parasitic forms.